तो आज से सालों पहले जब यातायात के इतने साधन विकसित नहीं हुए थे तो लोग ज़्यादातर पैदल ही सफ़र किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का बौद्धिक विकास हुआ, लोगों ने अपने सुख सुविधा के साधन जुटाने शुरू कर दिए। इनमें यातायात के साधन भी शामिल थे। पहले लोग कहीं भी आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इंजन का आविष्कार कर लिया तब इस क्षेत्र में भी क्रांति आ गई। इंजन के आविष्कार के बाद से ही मोटर गाड़ी और ट्रेन जैसे यातायात के साधन अस्तित्व में आए, और आज तो इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि दिनों का सफर अब घंटों में तय होने लगा है। बुलेट ट्रेन, एरोप्लेन जैसे यातायात के तमाम साधन उपलब्ध हो गए हैं, जिनकी मदद से हम हजारों किलोमीटर का सफर महज कुछ घंटों में ही तय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तरक्की हमें यूं ही नहीं मिली है, इसके पीछे कई सालों की मेहनत है, और इसी मेहनत को ध्यान में रखकर अपनी आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की पहली ट्रेन की कहानी बताएंगे। हम आपको बताएंगे भारत के रेल के इतिहास के बारे में। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने ज्ञान को एक लेवल ऊपर उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम अपने भारत देश के रेल नेटवर्क की बात करें तो आपको जानकर गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत का रेल नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। जी हाँ, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। देश में रेलवे नेटवर्क का ये जाल करीब 66,000 किलोमीटर तक बिछा हुआ है। इतने बड़े रूट पर 21,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स और गुड्स ट्रेनें रोजाना दौड़ती हैं। वहीं अगर यात्रियों की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन करीब 24 करोड़ लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। आज भारतीय रेल देश के कोने कोने तक पहुँच गई है। दोस्तों, भारतीय रेलवे की एक और सबसे खास बात यह है कि ये देश में सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला विभाग है, और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नौकरियां देने के मामले में भारतीय रेलवे 8वें नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे में करीब 15 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय रेल के इतिहास की तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे का इतिहास 170 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जिस समय भारत में रेलवे नेटवर्क बिछाने की शुरुआत हुई उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारत में रेल नेटवर्क लोगों की जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने माल की आवाजाही को प्राथमिकता देने के लिए बनाया था। भारत में रेलवे शुरू करने का सबसे पहला प्रस्ताव साल 1832 में मद्रास में पास किया गया, जिसके बाद 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद रेल परिवहन के नाम पर भारत में सबसे पहली ट्रेन साल 1837 में चली थी, जो कि एक मालगाड़ी थी जिसका नाम रेड हिल रेलवे था। ये मद्रास में रेड हिल से चेन्नई के चिंतादरीपेट ब्रिज पर चली थी। इस ट्रेन को एक रोटरी स्ट्रीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा खींचा गया था, और इसका इंजन इंजीनियर विलियम एवरी और इंजीनियर आर्थर कॉटन द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों, तब इस रेलवे का उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट पत्थर के परिवहन के लिए किया गया था। इसके बाद साल 1840 आते आते भारत के हर क्षेत्र में रेलवे प्रस्ताव आने प्रारंभ हो गए, और साल 1845 में जब गोदावरी नदी पर डैम कंस्ट्रक्शन के निर्माण कार्य के लिए स्टोन सप्लाई की जरूरत महसूस हुई, तब एक बार फिर से सर आर्थर थॉमस कॉटन द्वारा राजमुंद्री के डाउल स्वाम में गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे का निर्माण किया गया। इसके बाद 8 मई साल 1845 को मद्रास रेलवे की स्थापना की गई। उसी साल ईस्ट इंडिया रेलवे का भी निर्माण किया गया, और फिर 1 अगस्त 1849 को संसद के इस अधिनियम द्वारा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे यानी कि GIPR की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई के बोरी बंदर में था। इस अधिनियम के मुताबिक भारतीय रेलवे को बनाने के लिए मुफ्त में जगह देने की गारंटी दी गई थी, और बदले में भारतीय रेलवे को अपने मुनाफे का 5% भाग रेलवे बनाने वाली अंग्रेजी कंपनी को देना था। साल 1850 में ग्रेट प्रायद्वीपीय रेलवे कंपनी ने बंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया, और इसी साल हावड़ा से रानीगंज तक रेल लाइन बिछाने का काम भी शुरू किया गया। इसके बाद साल 1851 में सोलानी नदी पर एक्वेडक्ट निर्माण के कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई के लिए रुड़की में ब्रिटिश इंजीनियर प्रोबी थॉमस कॉल्टी द्वारा सोलानी एक्वेडक्ट रेलवे बनाया गया, और फिर साल 1852 में मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी की स्थापना की गई।
जिसके बाद साल 1852 में पहला लोकोमोटिव थॉमस जो ब्रॉड गेज लोकोमोटिव था भारत में लाया गया। तब तक मुंबई से ठाणे के मध्य रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका था। दोस्तों 16 अप्रैल साल 1853 भारतीय रेल के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया जब भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली। भारतीय इतिहास की इस पहली ट्रेन को मुंबई से ठाणे के लिए चलाया गया था। इस ट्रेन को उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को समर्पित किया गया था। ये ट्रेन दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र के बोरीबंदर टर्मिनल यानी कि आज के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से प्रारंभ हुई थी और 4:45 बजे ठाणे पहुंची थी। यानी ये सफर इस ट्रेन ने 1 घंटा 15 मिनट में पूरा किया था। इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे थे और इसे 3 स्टीम लोकोमोटिव इंजन साहिब, सिंध और सुल्तान द्वारा खींचा गया। इस ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी और लगभग 400 लोगों ने इसमें सफर तय किया था। दोस्तों यही वो ट्रेन था जहां से भारतीय रेल की नींव रखी गई। ये ट्रेन जिन पटरियों पर चलती थी उनकी चौड़ाई 5 फुट 6 इंच रखी गई थी और तभी से भारत में पटरियों की चौड़ाई का यही स्टैंडर्ड बन गया। आज भी भारत में इसी चौड़ाई की पटरियां बिछाई जाती हैं। साल 1854 में बोरीबंदर से ठाणे तक जाने वाले इस रेलवे ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया और अब धीरे धीरे पैसेंजर गाड़ियों के नेटवर्क का विस्तार किया जाने लगा। इसके बाद भारत में पैसेंजर ट्रेन्स 15 अगस्त 1854 को कोलकाता में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई जिसने 39 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके ट्रैक का रख रखाव ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने किया था। दोस्तों साल 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली टॉय ट्रेन जिसका नाम फेयरी क्वीन था उसे चलाया। इस ट्रेन में विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन भी जोड़ा गया था जिसे ब्रिटेन की कंपनी किट्सन ने बनाया था। साल 1997 के बाद इस ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन के रूप में चलाया जाने लगा जिसके सफर का मजा लेने दूर दूर से लोग आते हैं। वही साल 1881 में पूर्वोत्तर में पहली बार आधिकारिक तौर पर टॉय ट्रेन चली जो 2 फुट चौड़े नैरो गेज पर चलती है और इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी होती है। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहां साल 1856 में पहली पैसेंजर गाड़ी चलाई गई थी जो मद्रास के रोयापुरम व वेयासार पैड़ी ऑर्किड के बीच चली थी। इस ट्रेन के निर्माण और संचालन का काम मद्रास रेलवे ने किया था। इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ भारतीय रेल का नेटवर्क फैलता गया और अलग अलग जगहों पर यात्री गाड़ियों की शुरुआत भी होती रही। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में चलने वाली ट्रेनों में न तो शौचालय की व्यवस्था होती थी और ना ही अंधेरे को दूर करने के लिए लाइट वगैरह होते थे। अंधेरे में ट्रेन में सफर करना कितना भयानक हो सकता है आप सोच ही सकते हैं। लेकिन ये ट्रेनें लगभग 50 सालों तक ऐसे ही चलती रहीं। और फिर आया साल 1897 का समय जब ट्रेनों के आधुनिक डिब्बे आए। उनमें यात्रियों की सुविधा के लिए बल्ब लगाए गए, शौचालय की व्यवस्था की गई। दोस्तों साल 1891 में पहली बार ट्रेन में शौचालय की व्यवस्था की गई लेकिन ये प्रथम श्रेणी के डिब्बों के लिए था। साल 1909 में इसे आम डिब्बों में भी शुरू किया गया। और अगर आप बात करें ट्रेन के डिब्बों के अंदर इलेक्ट्रिकल लाइट को स्टैंडर्ड रूप में लगाए जाने की तो साल 1902 में जोधपुर रेलवे वो पहली कंपनी थी जिसने ये कर दिखाया, जिसके बाद से ही सभी ट्रेनों में इलेक्ट्रिकल लाइट लगाई जाने लगी। दोस्तों साल 1925 से लेकर 1947 तक का दौर वो समय था जब भारत में रेल नेटवर्क तेजी से फैला और आधुनिक उपकरणों का उपयोग भी बढ़ा। लेकिन भारतीय रेल का व्यापक विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें।